हेलो स्टूडेंट्स विशिंग फॉर योर गुड हेल्थ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर टेन ऑफ योर गुलमोहर बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द किंग्स ड्रम हियर किंग्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किंग किंग मींस राजा ओके एंड एपोस्ट्रॉफी एस दैट इज समथिंग बिलोंग्स टू किंग यानी कोई चीज जो किसकी है राजा की है उसके बारे में बात हो रही है किंग्स ओके क्या चीज है एपोस्ट्रॉफी लिखा हुआ है ड्रम ड्रम यानी कि जो या बजाने की इंस्ट्रूमेंटल होते हैं उसे हम बोलते हैं ड्रम ठीक है तो यहाँ पे किसकी कहानी है ये राजा के ड्रम की कहानी है सो लेट्स बिगिन द चैप्टर चैप्टर नंबर टेन द किंग्स ड्रम वन डे टाइगर सीज माउस डियर बाय द रिवर एक दिन बाघ ने माउस डियर को नदी किनारे देखा हिस्टूडेंट ए न्यू वर्ड इज डेयर ओके यू हैव हियर्ड अबाउट माउस एंड डियर ऑल्सो है ना यहाँ पे हमने दो जानवरों के बारे में पढ़ा है माउस माउस हमें पता है चूहा होता है एंड डियर हमें पता है हिरण होता है लेकिन वॉट इज माउस डियर यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया गया है माउस एंड डियर ओके तो ये अलग अलग नहीं है ये एक ही है माउस डियर विच मींस होता है ऐसा हिरण जो कुछ कुछ चूहे के समान दिखाई देता है उसे हम कहते हैं माउस डियर ओके तो ये कहानी किसकी है माउस डियर और बाघ यानी कि टाइगर के बारे में है वन डे टाइगर सीज माउस डियर बाय द रिवर एक दिन बाघ ने चूहा हिरण को देखा कहां पे नदी किनारे टाइगर जम्प्स एंड हिम टाइगर कूदा और उसे पकड़ लिया टाइगर इज वेरी हंग्री बाघ को बहुत भूख लगी थी He wants to eat mouse deer. वे जो जो हिरण हिरण था था. था था. उसे खाना चाहता लेकिन बहुत ही डरा हुआ सडनली माउस डियर सीज अब बीहेबाउ हिम अचानक माउस डियर ने यानी कि जो चूहा हिरण था उसने अपने ऊपर मधुमक्खी का एक छत्ता देखा हैज एन आइडिया उसके दिमाग में एक सुझाव आया, कि एक उपाय आया माउस यू कैन नॉट ईट मी नाउ जो हिरण था बोला कि तुम मुझे अभी नहीं खा सकते किंग्स ड्रम मैं यहाँ पे राजा के ड्रम को देखने आया हूँ द किंग्स ड्रम आस्क टाइगर बाघ पूछता है किंग्स ड्रम राजा का ड्रम कौन सा है माउस डियर पॉइंट टू द बीहाइ डियर यानी कि जो चूहा हिरण होता है वह मधुमक्खी के छत्ते की ओर इशारा करते हुए कहता है। yes, there it is. देखो, ये यहां है। देखो, बहुत ही सुरीली, सॉरी सुरीली और मधुर यानी कि मीठी आवाज निकालता है बट द किंग डज नॉट वॉन्ट एनी वन टू टच इट लेकिन किंतु राजा नहीं चाहता कि कोई भी इसे हाथ लगाए टाइगर सेज आई मस्ट हियर दैट स्वीट साउंड लेकिन जो बाघ होता है वे कहता है मुझे जरूर ही सुनना चाहिए कि इसकी प्यारी ध्वनि कैसी है लेट मी बीट द ड्रम चलो मैं इस ड्रम को बजाकर देखता हूँ नो द किंग विल नॉट लाइक दैट सेज माउस डियर लेकिन जो चुहा हिरण होता है वे कहता है नहीं नहीं जो राजा है उन्हें ये पसंद नहीं आएगा टाइगर सेज जस्ट वंस माउस डियर प्लीज बाघ कहता है सिर्फ एक बार बजाने दो चूहा हिरण मुझे ऑलराइट बट आई डोंट वांट द किंग टू स्कोल्ड मी माउसी हिरण यानी कि जो चूहा हिरण होता है वह कहता है कि ठीक है लेकिन मैं नहीं चाहता कि राजा मुझे डांटे या मुझे फटकार लगाए लेट मी गो अवे सेज माउस डियर माउस डियर यानी कि जो चूहा हिरण होता है वह कहता है चलो मुझे पहले यहां से चले जाने दो टाइगर इज वेरी हैप्पी एंड माउस away गोज बाघ तो बड़ा खुश हुआ और जो माउस हिरण जो तयानी हिरण था वह भी वहां से जल्दी से चला गया ही behind some bushes और जाकर के कुछ झाड़ियों के पीछे छुप गया टाइगर a stick. बाघ ने एक लकड़ी उठाई स्टैंड ऑन a रॉक एक चट्टान पर खड़ा हुआ एंड बीट द बिहाइ और मधुमक्खी के छत्ते को दे मारा बस और जैसे ही मधुमक्खी के छत्ते पे लकड़ी पड़ी वहां से जोर से बस की आवाज आई यानी कि मधुमक्खी के भिन्न भिनाने की द बीज इन द बीहाइ आर वेरी एंग्री जो मधुमक्खी के छत्ते पे जो मक्खिया थी उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया दे कम आउट ऑफ द बीहाइव और वे गुस्से के कारण मधुमक्खी के छत्तों से बाहर निकल गई द बीज इज टाइगर हिटिंग द हाइव और उन्होंने क्या देखा कि जो टाइगर था यानी कि जो बाघ था उन्हें उसके छत्ते को मारते हुए देख लिया बस और ऐसे कहते ही दे अटैक टाइगर बाघ के पीछे उन्होंने हमला कर दिया और उसे डंक मारने लगी औओ टाइगर बाघ रोने लगा ही runs टू द रिवर एंड jumps into the द कूल वाटर वे नदी की ओर भागा और ठंडे पानी में कूद पड़ा Aha says Mouse Dear, I am safe now. kaha, Aha Ame hoon. So here is the end of the poem. Hope you like and understand the poem. For more interesting poem of your books, please do like, share and subscribe my channel. Thank you. Thanks for watching.